आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, सामने वाली बस पीछे की ओर क्यों दौड़ रही है, और जिस बस से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो तेजी से पीछे क्यों भाग रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सामने वाली बस पीछे वाली बस को टक्कर मारने के इरादे से रिवर्स में बस दौड़ा रही है। उदयपुर में नज़ारा पिछले कुछ दिनों में आम हो गया है, जहां रूट को लेकर राजगुरु और संतोष ट्रैवल्स के बीच विवाद चल रहा है, और इस दौरान दोनों ट्रैवल्स की बसें एक दूसरे को जहां पाते हैं टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। दो ट्रैवल्स बस मालिकों के बीच झगड़े की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। बता दें, उदयपुर जिले के गोगुंदा और सायरा इलाके में इन दिनों प्राइवेट बस मालिकों और ड्राइवरों के बीच रूट को लेकर जबरदस्त अदावत चल रही है। बिजनेस में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सभी तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दो ट्रैवल्स कंपनियों के बसों के ड्राइवरों ने एक दूसरे को जानबूझकर टक्कर मारने शुरू कर दी। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें बस ड्राइवर ने टक्कर से खुद को बचाने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा तक गाड़ी को रिवर्स में भगाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बस आगे खड़ी है और रुकी हुई है, इसके बाद एक पीछे से एक बस आती है, लेकिन वो भी कुछ दूरी पर जाकर उसके पीछे रुक जाती है। इसके बाद बस काफी तेजी से रिवर्स की ओर आती है और उसके बाद टक्कर मारने के इरादे से उसे दौड़ाने लगती है। इस दौरान बस में सवार यात्रियों की जान सांसद में आ गई। यात्री चीखते पुकारते रहे और बसें रिवर्स में दौड़ती रहीं। खास बात यह है कि दोनों ट्रैवल्स कंपनियों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए हैं, लेकिन दोनों के बीच विवाद अभी भी जारी है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से राजगुरु और संतोष ट्रैवल्स के बीच विवाद में अब तक 4 से ज्यादा बसों को नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से 3 अलग अलग थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। दोनों बस मालिकों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है।